सुफियान साहब आए हैं जी। भाई सुफियान साहब हाँ भाई जी, जी भाई, पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सब मुस्लिम्स हैं? हेलो अरे मेरे भाई, जी नहीं जी नहीं 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 आप रॉन्ग दुकान में आए भाई साहब। नहीं, क्योंकि मुझे पहले मुस्लिम था, अभी मैं एक्स क्या मुस्लिम था? हूँ। मैं अच्छा, पहले था क्या मुस्लिम, कहे? अब मैं एक्स मुस्लिम हूँ। तो क्या तो मेरा प्रॉब्लम क्यों है? क्यों मैं इस्लाम क्यों छोड़ दिया? काफी प्रॉब्लम्स है। क्या एक प्रॉब्लम होता तो बता सकता है, एक काफी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम क्या हुआ इस्लाम छोड़ दिया मुझे आपने? डर लगता है इन चीजों में। टॉर्चर, किस चीज से डर लगता है? जहन्नम के मैं टॉर्चर एक से डर साल लगता है? मदरसे में लेके आया हूँ। अच्छा, मदरसे में। नहीं, मैं एक साल मदरसे में लेकर आया हूँ। मेरे साथ जो टॉर्चर्स हुए हैं, जो कुछ मैंने जो भी सहन करा है ना, वो मैं जानता हूँ। और फिर बाद में जब मैं घर आया, फिर मैं वहाँ से मदरसा छोड़ दिया, उसके बाद मुझे अपनी पता चला आपकी आवाज चली गई, कोई कॉल आ ये गया सब आपकी कुछ क्या? है। नहीं, हट गया वो। तो हाँ, तो घर में आया तो क्या हुआ? अच्छा, मैंने घर पे बताया ये सब, फिर घर वालों ने नहीं भेजा। तो अभी आपने इस्लाम को पढ़ा है फिर? पढ़ा था, फिर अब इतना जितना पढ़ा था उससे तो रियलाइज हुआ कि अगर फॉलो करते वक्त ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मरने के बाद तो क्या ही होगा, इसलिए छोड़ दिया। टॉर्चर क्या किया था? क्यों, क्या टॉर्चर कर रहे थे आपको? वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी यहाँ पर। आप टॉर्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? हाँ, क्या मतलब टॉर्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? आपको दिमागी या जिस्मानी वो तकलीफ पहुंचा रहे थे जी? हेलो, बोल रहे हो, मतलब जैसे मेंटली तो वीक हो ही चुका था, साथ में जिस्मानी तौर से भी बहुत टॉर्चर थे, पर एक वो था कि एक फोर्स था कि करना पड़ेगा, ये करो। और दूसरी चीजें भी थी, उस वजह से मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीजें मेरे से तो नहीं हो सकती। तो आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा था? हाँ, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद गया था मैं। आपकी एज क्या थी जब आप वहां पे गए थे मदरसा? 14 साल, 18 आपकी एज क्या है? 18। 18 साल। तो आपने इस्लाम को तो पढ़ा ही नहीं होगा, कि इस्लाम को आपने कहाँ पढ़ा है? मदरसे नहीं पढ़ा था, नहीं, आपने इस्लाम को कैसे पढ़ा है? आपने कुरान पढ़ा है, तर्जमा पढ़ा है आपने? आपको अरबिक आती है? मैं सूरतें सारी पढ़ लेता हूँ, मैं कुरान पढ़ लेता हूँ, पर उसका मतलब मैं मतलब उर्दू पढ़ के बता सकता हूँ। तो आपकी जो दूसरी नॉर्मल एजुकेशन है वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं अभी? हाँ, मैं 12th पास आउट हूँ, और मैं अभी पढ़ाई चल रही है। मैंने सबको अवॉइड करा इन चीज़ों को, मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अभी आपने इंटर कर लिया होगा, तो अभी क्या आगे एडमिशन लिया? नहीं, मेरे को मिलिट्री में जाना है। अच्छा, मिलिट्री में जाना है, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आप अपने अपने तई किताबें लेके तो पढ़ सकते हैं ना मेरे भाई? पर आप मैं पहले पढ़ें, आप पहले पढ़िए, आप चीजों को पढ़िए। आप अभी सिर्फ 18 साल के हो, तो आपने चीजों को पढ़ा नहीं है, तो इस तरह की जो ना बातें, इस तरह की डिस्कशन, इस तरह की चीजों में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अभी आप सुने, लोगों को सुने वो क्या कह रहे हैं, दुनिया को सुनिए आप, और फिर जाके किताबें लेके। अब मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान को सारी जिंदगी जो है वो पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। ओके, ये हाँ, कभी नहीं सही बात रोकना है। चाहिए। आप चाहे भले प्राइवेट एज ए हॉबी करके उसको जॉब के अलावा भी पढ़ सकते हो, पढ़ते रहा करें, जरूरी नहीं होता। आपके पास इतने ज्यादा इल्म आ जाएगा कि जो लोग मास्टर किए हो ना, PhD, उससे भी ज्यादा आपके पास इल्म आ जाता है अगर आप किताबें पढ़ते रहते हो। तो आप पहले इन चीजों को सुने, गौर करें, और अभी आपको कोई फैसला लेने की, करने की या किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, तो अभी आप रेस्ट करें, आप नेक्स्ट कॉल लेंगे।
सच वाला स्टॉर्म पायलट जी, पहले जो बात हो रही थी तो स्ट्रीम यार्ड में कुछ डिफिकल्टी होने से कनेक्शन कट गया था, वो आंखें देख रहे थे, कुछ आप बात कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुई, दर्शक सुनना चाह रहे हैं हमारे वो। अरे मैं वो ये बात कह रहा था कि मैं दोस्त के पास गया जो कि बहुत इंतहाई लिबरल है और यानी मुस्लिम नहीं है, और वो सारी जिंदगी ड्रिंक किया एवरी डे, और लेकिन जब मैंने उनसे बात की इस टॉपिक के ऊपर तो उन्होंने कुछ चंद बातें कही और मैंने उनको फिर जवाब दिए जो जिसका उनके पास जवाब कोई नहीं था। तो बाद में फिर हम बैठे रहे वहां पे खामोशी हो गई, लेकिन मैंने देखा कि उस दिन के बाद आज तक उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया वैसे ईद का भी। तो ये होता है यानी आप जहाँ रहते हो वहां आप, मैं इसलिए कह रहा था कि जहां आप रहते हो तो आप लोगों से ये बातें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर आपका जो जो सिस्टम है वो जो बना होता है ना, वो जो सोशल सेटअप होता है उसमें फिर डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ जाती है। अच्छा, ऐसे यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, आपसे भी और बहुत से लोगों से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो है ठीक है नहीं करना चाहिए, बात सही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन कब तक नहीं करना चाहिए, कब तक नहीं करनी चाहिए? वो इसलिए कि सच वाला जी अभी अभी हमें ये पता है कि हम तो चलो बदल गए लेकिन हमारा पूरा खानदान तो नहीं बदला, बच्चे तो नहीं, नहीं बात बदले। सही है आपकी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो नहीं, मसला देखें, ये ऐसा होगा कि है, उन्होंने फिर बिल्कुल कतई ताल्लुक जो है वो कर लेना है, और उन्होंने उन्होंने बाद में भी बच्चों को भी ताने देने हैं कि तुम्हारा बाप तो वो था, तुम्हारा बाप तो ये था, और फिर उसको कहेंगे कि वो जब उसको दफनाने जाएंगे तो फिर बोलेंगे कि वो ये तो मुसलमान ही नहीं था। अब बात समझ रहे हैं कितनी प्रॉब्लम होती नहीं, है। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ के इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि ये इस सिलसिले को कब तक चलता रहना चाहिए? कोई तो कुछ तो लोग ऐसे हों जो इस सिलसिले को रोकने के लिए आगे बढ़े ना। नहीं तो ये तो होता है जब कुछ चीज ट्रांजिशन फॉर्म में होती है सच वाला जी, उस वक्त हम इस तरह की डिसाइसिव चीजें नहीं हुआ करती। ये हमारा एक मक्की दौर है ना, तो जब जब कोई भी चीज अपनी फॉर्मेशन जब नहीं, बन अगर रही ये होती है। मक्की दौर आप कहते हैं, सुन लीजिए, अगर आप इसको मक्की दौर कहते हैं तो मक्की दौर भी तो कहीं कहीं एंड होना है ना, और एंड करने के लिए आपको कुछ तो करना है। नहीं तो अगर आपको वहां भी उन लोगों को उस चीज का सामना तो करना पड़ा ना। अब नहीं, मुझे तो यही हमने कहना चाह रहे कुछ हैं ना, देखें, अब जैसा मेरा अपना कहना ये है कि ठीक है, मैं हर किसी से ये नहीं कहता कि जो है जो मैंने किया आप भी ये करो, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन कुछ लोगों को तो आगे बढ़कर ये एक जो है मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना है ना, बांधना तो है। आपकी बात ठीक है, लेकिन सच वाले जी जो बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हैं वो बांध रहे हैं ना। कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, कुछ लोग चेहरा दिखा रहे हैं, तो वो अपने अपने हालात के मुताबिक। अगर मैं फर्ज किया मैं अकेला होता, मेरी बड़ी फैमिली ना होती और मेरा पीछे रूट से मेरा कोई ताल्लुक ना होता, तो मैंने तो चेहरा दिखा के ओपन खुलम खुला बात करनी थी। अब मसला ये है कि मेरे 3 कंट्रीज में मेरे रेफरेंसेज हैं और अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, कम्युनिटीज हैं, और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि यानी मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं जितना कर पा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो उनका कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं होता और वो कर नहीं, पाएंगे। हालांकि अगर देखा जाता, अगर देखा जाए तो मैं भी नहीं कर सकता था, मेरे भी हालात थे वैसे ही, लेकिन खैर ठीक है, मैंने कोई ऐसा ये नहीं, मैंने कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त जो जिन्हें मैं अपना यार यार कह सकता था, बहुत से ऐसे लोग जो ये इस बात के लिए बेचैन थे कि भाई यकीनन समाज में बदलाव आना चाहिए या बदलाव लाना चाहिए, वो इसके लिए बेचैन जरूर रहते थे। उनके साथ हमारी कई कई जो है घंटों घंटों में जो है बातें होती थी, कई काफी काफी अरसे तक बातें होती रही, और मैं जब ये महसूस किया कि भाई हमारी सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हम 4 6 8 आदमी बैठते और इसी पर जो है गुफ्तगू करते, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके बाद जो है मामला खत्म। तो मैं उनसे जब मैंने ये कहना शुरू किया कि भाई ये जो है इसको इम्प्लीमेंट कब करना है, प्रैक्टिकली इन बातों को कब अप्लाई करेंगे हम,
वो कहते हैं कि हाँ करेंगे, ये बोलते बोलते भी कई महीने कई साल गुजर गए। तो फिर मैंने सोचा भाई अगर या तो फिर हमें हमें कुछ करना चाहिए, अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मैं करना चाहता हूं। मैंने इस नियत से इस मकसद से YouTube पर कदम रखा। आपको पता है कि YouTube पर कदम रखने के बाद में कुछ ही दिन बाद उन सब लोगों ने मुत्तफका तौर पर मेरे साथ बॉयकॉट कर लिया। न सिर्फ बॉयकॉट किया कि उन लोगों ने जो है मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, जिनसे हम जो है फोन पे कम से कम बातचीत कर सकते थे। तो मैं देखा कि एक नहीं दो नहीं तीन नहीं इतने लोग सब लोगों ने जो है बॉयकॉट कर लिया। तो फिर मुझे लगा यार जो है कैसे करूं, किसी और नंबर से जो है जब मैं उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया तो जूं ही उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी उसको भी ब्लॉक कर दिया। मैं उनके घर गया, जाके पूछा क्या बात है, तो ऊपर से जो है ये इत्तला मिली कि ये वो जिन साहब को मिलने के लिए मैं गया हूँ वो नहीं है घर पे। तो तब जाकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो है ये लोग मुझसे कतई ताल्लुक़ करना चाहते हैं, मुझसे मिलना नहीं चाहते। तो मैं चुप हो गया, मैं सिर्फ एक दोस्ती के नाते एक जो है एक रबते के तौर पर जो है उनके साथ मैं ये सब कुछ मिलना। लेकिन जब मुझे अंदाज़ा इस बात का यकीन हो गया कि वो मुझसे ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते सिर्फ इस वजह से कि मैं YouTube पर आया हूँ, जाहिर बात है इससे कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी रिवील होगी और फिर ये होगा कि जो है जब मैं अगर किसी वजह से पकड़ा जाऊँ तो किसी ना किसी तरह से वो लोग भी जो है जद में आएंगे, उनकी जिंदगियां भी जो है मतलब जो इसकी जद में आएंगी। तो इस डर से इस वजह से उन्होंने मेरे साथ पूरी तरह से साथ छोड़ दिया टोटली। नहीं सच वाला जी बात है, और आज का दिन है तकरीबन दो साल हो गया है उनका कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक जो है कभी उनकी कोशिश भी नहीं रही कि जो है मेरे बारे में कुछ जानकारी हासिल। सच वाला जी, सच वाला जी बात सुने। नहीं नहीं आप बात से नहीं समझ रहे, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया, लेकिन बात मैं क्या कह रहा हूँ, आप जहाँ भी आपको मौका मिलता है जितना मौका मिलता है आप जहाँ कर सकते हैं वहां करें, जहाँ नहीं मौका मिलता जहाँ ब्लॉक हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां तो फायदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैंने आपने रिश्तेदारों से जब बात की तो आपकी तरह मेरा मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्होंने वो इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करते, ठीक हो गया। अच्छा कोई भी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता, बात खत्म हो गई ना। अब मैं ऐसे आगे क्या जाऊंगा, जब वो टॉप इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते तो मैं क्या कह पाऊंगा उनसे। तो लेकिन वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहीं और जाके तो लोग मुझे सुन रहे हैं ना। आप बात समझ रहे हैं, मकसद तो आपका ये है कि इस बात को आम करना, लोगों को फैलाना। जरूरी नहीं कि आपकी एक रास्ता बंद हो गया तो आपका आप सारे रास्ते जो है वो अपने लिए बंद कर लें, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, देखिए मैं असल में मेरा जो पॉइंट है भाई, देखिए आप नहीं कर सकते या आप कर रहे हैं और मैं नहीं कर सकता तो कम से कम मैं आपके रास्ते में तो रहूं, आपकी हिम्मत बढ़ाऊं, किसी ना किसी तरह से तो मेरा साथ दे सकते थे ना। मैं उनसे किसी किस्म का दो रुपये नहीं मांग रहा था, अरे कम से कम मेरी हिम्मत तो बढ़ाते, मेरी हौसला अफजाई तो करते। उन्होंने ये भी जरूरी नहीं समझा, उनको डर इस बात का था कि कल के दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और जब मेरी जो है मतलब मैं पकड़ा जाऊंगा तो किसी ने किसी तरह से उनकी उनका नाम भी जो है सामने आएगा और उनकी जिंदगियां जो है मतलब जद में आना के उनको सब पता है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, सब पता है, तो पता सब कुछ है। लेकिन ये अखलाकी उनका जो है इन्हितात है, ये बुहरान है कि वो एक सच्चे आदमी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तैयार है। ये बड़ी मुश्किल है, यही तो मुश्किल है ना। और मशवरे बहुत देते हैं, यानी मशवरे दे के हट गए अहबाब, मशवरे दे के हट गए अहबाब, आड़े आया ना कोई मुश्किल में, काम आया। ये बात है।